नमस्कार, आप देख रहे हैं आर भट्ट न्यूज। खबर नालंदा से है। नालंदा जिले में जीवन रक्षक टीम के द्वारा लगातार जन सरोकार का कार्य किया जा रहा है। बात चाहे बाढ़ जैसी त्रासदी की हो या घायलों तक रक्त मुहैया कराने या कोरोना काल में लोगों को भोजन मुहैया कराने की हो या फिर कोविड वैक्सीनेशन को लेकर जागरूकता फैलाने की हो, सभी क्षेत्रों में लगातार जीवन रक्षक टीम के सदस्यों के द्वारा बेहतर कार्य किया जा रहा है। आज इसी कड़ी में जीवन रक्षक टीम के सदस्यों के द्वारा पुलपर बाजार इलाके में एक दिवसीय वैक्सीनेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 200 लोगों का टीकाकरण का काम किया गया। टीकाकरण कार्यक्रम के पूर्व नालंदा जिला अधिकारी योगेंद्र सिंह जीवन रक्षक टीम का हौसला बढ़ाने को लेकर वैक्सीनेशन स्थल पर पहुंचे, जहां नालंदा जिला अधिकारी योगेंद्र सिंह ने टीकाकरण कार्यक्रम की शुरुआत की। इस मौके पर जिला अधिकारी ने क्या कुछ कहा, देखे इस रिपोर्ट में। वैक्सीनेशन का कार्य चल रहा है पूरे जिले में और कुल एलिजिबल पॉपुलेशन का हम लोगों ने करीब 21% लोगों को वैक्सीनेट किया है। इसी के में हमारे बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं जो खुद तो वैक्सीनेशन जिन्होंने करवाया ही है, अब वो ये जिम्मेदारी भी निभा रहे हैं कि दूसरे लोगों को मोबिलाइज करें, दूसरे लोगों को मोटिवेट करें, प्रेरित करें और इवन कैंप भी लगाने में मदद कर रहे हैं। तो हमारे यहाँ हेल्थ कर्मी, स्वास्थ्य कर्मी यहाँ पर मौजूद हैं। रजिस्ट्रेशन का कार्य और टीका देने का कार्य किया जा रहा है। जीवन रक्षक की टीम यहाँ पर पूरी तन्मयता से लगी हुई है और इन लोगों ने पूरा लोगों को मोबिलाइज किया हुआ है। यहाँ पर काफ़ी आप देख रहे हैं कि काफ़ी लोग मतलब जोश के साथ में टीका लगवाने के लिए आए हुए हैं और काफ़ी उन्हें उत्साह देखने को मिल रहा है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर यही माहौल रहा तो जल्दी ही हम लोग 100% जो टीकाकरण करना है 18 वर्ष में। आज हमारे जीवन रक्षक के द्वारा जिलाधिकारी महोदय और जीवन रक्षक के सहयोग से टीकाकरण का कैंप लगाया गया है। इस टीकाकरण कैंप लगाने का मेन उद्देश्य यही है कि लोगों के बीच में एक अवेयरनेस जगाया जाए कि टीका हम लोगों के लिए ज़रूरी है, परिवार के लिए, दोस्तों के लिए, समाज के लिए, सबके लिए ज़रूरी है, क्योंकि कोरोना से बचने का एकमात्र उपाय है वो है हमारा टीका। और अगर टीकाकरण में हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लेंगे और एक दूसरे को प्रेरित नहीं करेंगे तो आगे आने वाला दिन और आगे आने वाला हमारा भविष्य हमसे जब पूछेगा कि आप लोगों ने क्या किया था, तो हम लोगों को मुखदर्शक बन के बैठना पड़ेगा। इसलिए हम अपने जिलाधिकारी महोदय, जीवन रक्षक टीम और हमारे समेत समस्त पत्रकार बंधु जो दिन रात एक करके लगे हुए हैं, उनको दिल से अभिनंदन करते हैं।